सर आप क्यों 18-18 घंटे काम करते हो, मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आया। आई रियली कांट अंडरस्टैंड। सर आपने जो देश के युवा है ना, उन लोगों को गुलाम बना लिया आज की तारीख में, और ये साफ साफ सोशल मीडिया पे झलक रहा है। मैंने आपको कहा था कि आईटी सेल को आप ध्वस्त कर दीजिए, उसके रिप्रिकॉशन आपको अब सुनने को आ रहे हैं गल्फ से। सर जब आपकी इज्जत खराब होती है ना, तो देश की इज्जत खराब होती है, और आपकी इज्जत आज की तारीख में आपके जो गुलाम है यही कर रहे हैं। 1947 से पहले भी देश गुलाम था सर, और आज आपने देश के युवाओं को गुलाम बना लिया है, क्योंकि देश के जो युवा हैं वो सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन में, एवरेज इज 26। सर इन लोगों के पास कोई काम धंधे नहीं है, अभी जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं ये सारा रिप्रिकॉशन है उस चीज का, पीछे बोया गया। और सर ये जहर जो है ना, ये दुनिया का जो सबसे खतरनाक सांप होगा ना, उससे भी खतरनाक जहर है ये निकाल नहीं पाएंगे आप। मैं आपको बता रहा हूँ इस बात के लिए, आप जो इंडिया को बोल रहे थे ना 21वीं शताब्दी का लीडर, नो चांस। यू नो द रीजन इज सिंपल, जो एम्यूनेशन है आपके पास, जो असला है वो युवाओं का है, वो असला तो जंग खा चुका है सर, वो जंग खा चुका है। इन लोगों को सिर्फ गाली गलौज करने के अलावा और कुछ आता नहीं। इन लोगों के दिमाग में ये डाल दिया है कि इनका जो हिंदुत्व है वो वही हिंदुत्व है, बाकी हिंदुत्व गलत है। अभी सर मैंने सिर्फ उद्धव भाई का नाम लिया है 3 वीडियो में, उसी में आप देख लीजिए खलबली क्या हो गई। मतलब जो उद्धव भाई का हिंदुत्व है वो हिंदुत्व नहीं है, सिर्फ इनका हिंदुत्व है, क्योंकि इनके जो दिमाग के अंदर जो लोग बोलते हैं कि गोबर भर दिया गया है, मैं ये नहीं कहता गोबर भर दिया गया है, इनका दिमाग ही खाली था। जो आपने जो सोच भरी इनके, वो सोच थी। और सर ये लोग बहुत ही लो शेल्फ लाइफ से आते हैं लोग, अब इनमें आपके जो अनुयायी हैं वो समझ ही पाएंगे क्या बोल रहा हूँ मैं, लो शेल्फ लाइफ आप समझ जाएंगे। ये लो शेल्फ लाइफ के लोग हैं, इन लोगों ने जिंदगी में कोई हासिल नहीं करी है कोई भी चीज़ सर, नथिंग। इन्होंने इंडिया के लिए कभी कोई काम नहीं किया। आपके जितने भी इनिशिएटिव है, योगा हो, स्टार्टअप हो, डिजिटल इंडिया हो, ग्रीन इंडिया मूवमेंट हो, कोई नहीं करा। आपने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया इनसे। आप इससे नहीं क्वेश्चन करना चाहते थे कि आपने इनके दिमाग पर कब्जा कर रखा है, और ये सर एक तरह से एटम बम बन गए घर देश के अंदर। ये लाइक एटम बम्स, लाइव बॉम्ब्स एंड डायनामाइट्स है, और ये डायनामाइट रोज छूटते हैं सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे जो आपके अनुयायी है ना सर, वही आपका प्रतिबिंब है। जैसा लीडर होता है वैसे ही उनके अनुयायी होते हैं, उनके सपोर्टर होते हैं। आप ये देख लीजिए, दुनिया के बड़े बड़े लीडर देख लीजिए, नेल्सन मंडेला हो, इसके मार्टिन लूथर किंग हो, उन लोगों के देख लीजिए किस तरह के अनुयायी थे, सपोर्टर थे, और आपके देख लीजिए। सर इसको रोकिए एक बारी मन की बात में, नहीं तो आपके 6 साल की मेहनत को ये 6 महीने में ख़त्म कर देंगे आने वाले साल, इसी साल में विद इन 6 मंथ्स ये सारी मेहनत आपकी ख़त्म हो जाएगी। कोई इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे सर, कुछ नहीं होने वाला इंडिया में, नथिंग, नोबडी इज गोना इन्वेस्ट इन अ डिस्टर्ब कंट्री, नोबडी। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तो छोड़िए सर, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो होते हैं ना 2-5 मार्क इसके तो $1 मिलियन के, वो भी नहीं आने वाले, दे आर नॉट गोइंग टू कम, बिकॉज वहाँ पे फैक्ट्री डालेंगे, कोई जला देगा, कोई कुछ कर देगा, कौन डालेगा इन्वेस्टमेंट, दिल बी नो इन्वेस्टमेंट। एक सिंपल लॉजिक है सर, जहाँ पे सेफ्टी नहीं है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है ना सर। तो इस चीज़ का आपको संज्ञान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एज अ अप्रवासी भारतीय आपको एक फ्री में सुझाव दे रहा हूँ, और मैं बहुत बार इसके बारे में पूछता रहा सर, बिकॉज वी ऑल आर वरिड फॉर आर कंट्री ऑल्सो। इन लोगों को ये नहीं पता रहता सर कि कंट्री में अप्रवासी भारतीय क्या काम करते हैं। जो अप्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है उसका कुछ रीज़न है सर, वहाँ पर होता है इंडिया में, तभी आप लोग करते हैं अप्रवासी भारतीय सम्मेलन। तो इसके बारे में आपको सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, और इन लोगों की बोलती बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि देश का तो नुकसान कर ही रहे हैं, कर रहे हैं, बाकी आपका भी नुकसान कर रहे हैं जाने अनजाने में, क्योंकि ये लो शेल्फ लाइफ लोग हैं, लो इंटेलिजेंस पॉपुलेशन आपके पीछे आज की तारीख में। सर अगर आपके साथ में पढ़े लिखे लोग होते ना आज की तारीख में, तो जो आप करना चाहते थे 5 साल में 2 साल में ख़त्म हो जाता 101%। बाकी सर आप आज की तारीख में जो कहते हैं, जो आपके हाथ में चाबुक हो तो जिस तरफ चलाना चाहे आप चलाएं, बाकी आई डोंट सी एनी फ्यूचर फॉर इंडियन यूथ इन इंडिया नाउ, इट्स ओवर एंड आउट। थैंक यू सो मच।